हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सुमन के अंतरा ब्लॉग्स में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग में कर रही हूँ सुबह 11 बजे से, और हमारा झाड़ू पोछा नाश्ता वगैरह सब हो गया है, साफ़ सफाई। और अभी मैं हो रखी हूँ तैयार। तो मैं तैयार की हो रखी हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ अपने बुआ के घर पर। और बुआ के घर पर क्यों जा रही हूँ? क्योंकि हमारी एक कज़न आ रखी है वहाँ, साक्षी, तो वो बुला रही है। मतलब वो भी बहुत टाइम से आई है बुआ के घर पे, तो इसलिए मैं जा रही हूँ उससे मिलने। और बाद में किरण भी आएगी शायद वहाँ। तो चलिए अभी चलते हैं बुआ के घर पे और मिलाते हैं आपको सबसे, और जो मेरी कज़न आ रखी है वहाँ पे, मतलब साक्षी, उससे मिलाते हैं। तो बने रहिए आप लोग मेरे साथ ब्लॉग में। चलिए अभी चलते हैं। गाइस, ये देखिए साक्षी। हेलो, मीट साक्षी। आगे बताने इनसे मिलिए, इनसे मिलिए रिजल्ट गर्ल से। और ये हमारी बुआ, और यहाँ पे मामा जी। और इसका आज बोर्ड का रिजल्ट आया गाइस, जैसे मैं यहाँ आई इसका सीधे रिजल्ट भी आया। पार्टी है, और आज ही हमें पार्टी देगी, देगी ना भाई? तो पार्टी नहीं देगी क्या? देगी ना, पहले बता। हाँ, और इसको देखिए, बहुत बेकार आए हैं गाइस। चुप रहे, अच्छा है उसके। ये तो 18 कितने ये है? 95। ये 91% लाएगी, 95 ये अभी 95 हो गया। हाँ। अभी तो 91 था गाइस। इसने कहा कि दीवार का, इसने कहा कहीं पर लिख लो कि ये 95 कितने लाएगी। बोला था 5 हो गया। अगर कोशिश करो ना तो सब होता है, अगर नहीं करो तो रैंडम। ठीक है, और ये ब्लॉग इसके रिजल्ट के दिन देखेंगे। इसने बोला कर ये 90 से नीचे लाई अपने टेंथ में, तो ये मेरे ब्लॉग में नहीं दिखेगी। जितने ब्लॉग में ना दिखे, समझ जाना कि समझ जाना इसका रिजल्ट आ चुका है। अपने माथे पे टैग लिखवाएगी बस, ऐसा कुछ। और इसके चेहरे पे खुशी देखिए रिजल्ट की। देखिए गाइस, यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं? दाल से पत्थर छान रहे हैं। कौन सी दाल? अभी दाल का नाम क्या? तो साक्षी दीदी, ये देखो काली दाल, ये हमारे गांव में होती है इस दाल, जो कि बुआ ने सुखाने के लिए डाली थी यहाँ पे। ये देखिए, और ये जाएगी लंदन। लंदन में खाएंगे फिर, लंदन में खाएंगे। मिक्स दाल है, राजमा और पता नहीं कौन कौन सी दाल, राजमा है और ये बुआ बोली क्या बोलते हैं, सुतरिया दाल है, सुतरिया दाल है, काली दाल है, और काली दाल है, और ये है ये ना कुछ थोड़ा बहुत, ये गोरी दाल है, इसको वो बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको, अरे ये वो है यार, बट तोर दाल भी नहीं है, ये गोरी दाल है। सारी दालें मिक्स है जितनी भी हमारे गांव में होती है, गांव में। Yes. इसको यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं बाजार में, अगर आपको इसका नाम पता है तो मेरे को गूगल कर ले गाइस, फोटो खींच के स्क्रीनशॉट लेके गूगल करें। दाल में बोल रहा गोरी दाल क्या होता है? अच्छा, इसको वो वाले दाल तो नहीं बोलते हैं, ये तोर दाल ना, तोर दाल तो अलग होती है ना, तोर दाल तो चलो गोल 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 होती है। सो गाइस, अभी हम जा रहे हैं मिठाई लेने। बुआ ने हमें भेजा है मिठाई लेने के लिए, क्योंकि बुआ अपने जा रही है। और हमारे पीछे पेंटिंग देख सकते हैं आप। अच्छा, वॉल पेंटिंग। ये भी दिखा दियो, नहीं ये दिखा, इसमें बैठ के जाने वाले क्या? बहुत गर्मी हो रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है गाइस। और ये अभी रखा ना? हाँ, ये लगना बहुत ज़रूरी है। पास में ही जा रहे हैं स्वीट शॉप में, और ये देखिए मेन रोड है गाइस। हम जा रहे हैं मिठाई लेने इधर, यहाँ पे एक फेमस स्वीट शॉप है। और कहाँ है अभी? मैं यहाँ जा रही थी अंदर, ये दोनों आगे आगे चल रही हैं, मैं पीछे पीछे चल रही हूँ। और अभी हो रहा है शाम का टाइम, और यहाँ पे है पेट्रोल पंप। ये छुट्टी इसलिए पड़ी क्योंकि अगले महीने हमारे इंटर्न को है इंटर्नशिप, इसलिए उन्होंने एक हफ्ता भी निपटा दिया हमें गर्मियों का। गाइस, हम जा रहे हैं गुलाब में, बहुत ही पुरानी स्वीट शॉप है ये। बड़ी-बड़ी
ये ले रही है काजू कतरी, किरण ले रही है काजू कतरी और हमने काजू कतरी आज ये बनाया किसी ने, क्या बोलते हैं इसको, रसमलाई, रसमलाई बना रखी, रसमलाई बना रखी, तो पता चलेगा बना रखी है तो बन गई कि आप बने बन रखी है सुबह से। अच्छा बिना फ्रिज के बन जाते, फ्रिज में नहीं डाली क्या बैठ गई, आप भी खा लीजिए टेस्टी टेस्टी मिठाई, और मैं पहले कल घर जाऊँगी है वो काजू कतली पे कल इस ले ली हमने मिठाई, कैसा देना होगा तो ये दे देना मुझे। अरे कहाँ जा रही, ले लिए अब मिठाई लेके हम चलते हैं घर, साक्षी खिला रही है सबको मिठाई, वो भी गुलाब महंगी दुकान से महंगी दुकान गाइज, ये देखिए बहुत पुरानी स्वीट शॉप है, बहुत महंगा भी है, 490 का है गाइज आधा किलो, वही तो वो भी काजू कतली, कोई नहीं कोई नहीं, ऐसे छोटे छोटे शहरों में ऐसी बड़ी बड़ी बातें होती रहती है। किरण कब खिलाई काजू कतली, जब खिलाऊं, कैसा लग रहा है पास हो गया आप, नहीं पास हो गया। और गाइज इसके केक पे लिखा है क्या, कांग्रेचुलेशन, यहाँ पे सारे दर्शक लाइटर देंगे, स्नैप ये देखिए यहाँ पे बुआ, ये अच्छा साक्षी की वो साक्षी की फ्रेंड मीनाक्षी, मीनाक्षी है, बुआ है, सब है, बुआ लोगों के गांव की है ये भी मीनाक्षी, और ये हाँ, और यहाँ पे तैयारी हो रही है अब सेलिब्रेशन की, मामा जी है यहाँ पे, सोनम है, अबे मुझे कैसे नहीं, ये क्या बात, एक चेरी ये खा चुकी है पहले, दो चेरी बोन क्या चे, हैप्पी बर्थडे नी बोन पूछ चल अपन चल पहले पंग वाले एंड सेलिब्रेशन, कांग्रेचुलेशंस, जल्दी काट तो हमें खिलाना है तुझे, चलिए खिलाओ इसको, जाओ जेठी मां, मैं सबसे ज्यादा मां कर रही मेरे, आ जाओ पूरे ग्रुप में, एक एक नंबर से पीछे छूट रहे थे सारे, दे दे चलो बस पहली थी जी, मीठी नहीं हो रही वो, अच्छी हो रही मीठी मीठी, चेरी तो पहले ही खा गई, ये वाला ही काट दे तूने, अच्छा यहीं से पीस काट लो जो इसने काटा, तो यहाँ पे इसका मुंह मीठा कराया जा रहा है, बहन को खिलाते हुए और चैलेंज देते हुए कि मेरे नंबर ज्यादा आएंगे, और इसने चैलेंज दिया इसको कि इससे ज्यादा नंबर लाएगी, इस वाले ब्लॉग को इस वाले ब्लॉग को पिन किया जाए, इसमें चैलेंज दिया गया है सोनम के द्वारा, गाइस यहां पर लड़ाई करते हुए, अब तो एंड एंड 85% तालियां तालियां जिसको देखिए, ये तो खाने के लिए बजा रहा है बस, ये तो ये खाने के लिए, ये तो ये खाने के लिए, तू कितनी लाएगा बोल दे आज ब्लॉग, चलो हो गया, तू कितनी लाएगा, चलो गाइस हमारी पार्टी स्टार्ट हो चुकी है, ये चाउमीन केक और ये स्टार्टर है, मेन कोर्स अभी बाकी है, मेन कोर्स 10 बजे, मेन कोर्स थोड़ा डांस डूंस करने के बाद, चलिए अभी पार्टी इंजॉय करते हैं हम, उंगलियां चाटी जा रही है इतना टेस्टी हो रहा है, लेना पड़ेगा, सो गाइस अभी डांस करके थक चुके हैं, हमने डिनर किया उसके बाद हमने बहुत ज़्यादा डांस किया यहाँ पे, और अब हमारी हालत देखिए, मेरे पे हरा कलर अच्छा लग रहा है सच में, तो अपना कलर दिखा है, डांस किया हमने अभी तक, रात के 12 बजे रात के 12 बजे और अभी तक हम लोग सोए नहीं है, बैठे हुए सब अपने अपने फोन पे बिजी है, तो हम अभी 12 बजे रात के, अभी हम थोड़े अभी हम थोड़ा डांस कर रहे थे, तो उसके बाद हम यहाँ पे ऐसे लेट चुके हैं,
देखिए गाइस हम थोड़ा अभी बज रहे हैं रात के 12 और हम थोड़ा बैठ चुके हैं एकदम। हमने अभी तक किया डांस करके और हम बहुत ज्यादा थक चुके हैं। अब देखिए नाचने में लग रखी है, पता नहीं क्या शौक चढ़ रखा है। पास होने की खुशी में साइड हट जा। ये जेठी माँ, किरण दीदी और साक्षी दीदी और कुछ यहाँ पे सो रखे और कुछ यहाँ पे सो रखे हैं। किसी ने तो कितनी पोजीशंस बदल दिए सो सो के। घूम चुका है शौर्य। यस, शौर्य रावत जो कल सुबह रोने वाला है फिर से स्कूल जाने के। हम यहाँ पे अभी बैठ चुके हैं गाइस। आप हमारी शक्ल देख के लग ही रहा होगा कि हम कितना नाच। नींद आ रही है, 12 बज चुके हैं और 1 बजने वाले। देखिए क्या खुशी मिल रही है, खुशी को खुशी हो रही है। आज इसका रिजल्ट आया है तो इससे ज्यादा ही खुशी हो रही है। इन्हें कहते हैं पागल, आगरा के पागल कहते हैं इन्हें। ये देखिए अब आते नाचनी ने गाने एयरफोन में सुन रही है। जब सब सीढ़वा देखिए इनकी गढ़वाली आओ कभी हवेली में गाइस। ये इसका इसका डांस कौन से गाने में कर रही है वो गेस कीजिए। हमें लिखिए कि कौन से गाने का डांस हो सकता है। जब अभी बैठ ही रखे हैं बोर होके, अभी सोने वाले हैं हम थोड़ी देर में। सुबह अभी नींद आ रही तो हम सोने वाले हैं अभी थोड़ी देर में। और आज का व्लॉग जो मेन है वो इस चीज पे खुशी हुई है पास और फिर हमें मिली है पार्टी। और पास होने की खुशी में हमने केक कट किया है। हमने नहीं, खुशी ने कट किया। सॉरी, देखिए सॉरी गाइस, खुशी ने कट, हमने कट, खुशी ने किया और हमने खाया और इंजॉय किया और चाउमीन खाई और उसके बाद बहुत कुछ खाया डिनर में। मतलब फुल पार्टी और एंजॉयमेंट हुई आज का। आज हमने फुल पार्टी करी। तो आपको कैसा लगा आज का ब्लॉग कमेंट में ज़रूर बताएं। और बस क्या बताएं गाइस, चलिए बाय। नहीं, ये देखिए नया मेहमान आया है हमारे यहाँ, इनका नाम है मीनाक्षी दीदी। हाय बोलो। हाय शर्मा रही है ये हमारे यहाँ। नहीं नहीं आई है दीदी अभी अभी। इन्हीं की बहन है ना, आपकी की बहन है ना? बहन नहीं हूँ मेरी, इनके गांव की है, दीदी के गांव की है, साक्षी दीदी के गांव की। इनका नाम मीनाक्षी दीदी और ये साक्षी दीदी की ताई जी हैं। और ये साक्षी दीदी की ताई जी हैं, मतलब इनकी तो ताई जी ये है हमारी। और ये हमारी जेठी माँ सुमन दीदी और की ये बुआ है। लोग कभी कभार कन्फ्यूज हो जाते हैं इसलिए हम बताने के लिए थोड़ा वो देने के लिए ना, इंट्रोड्यूस करने के लिए ना। शर्मा के शोर में नहीं बोलता था। ये देखिए गुत्थी पलक पलक गुत्थी का कोई। ये देख किरण दीदी के, देखिए हर शक्ल देखी होंगी। ये हर ब्लॉग में ऐसा ही करती हैं, पीछे से दीदी हंस रही है। क्या बता, तू बता मैं क्या बोलूं ब्लॉग में, क्या कर रही है। कमेंट पर बताना कैसी दिखती है दीदी। देखिए गाइस ये वीडियो डालने पे लग रखे हैं अपनी। ये देखिए वीडियो देख रहे सब, अपनी आज की बनाई हुई वीडियो देख रहे हैं। सुमन दीदी गाइस मैं बहुत थक चुकी हूँ। इनका भजन सुनिए गाइस, सुरीली आवाज। चलिए शुरू हो जाएगी। एक गाना किरण दीदी एक बार जैसे ये कुछ दिखा रही है। ये तो रील में देख रही हूं बस, इसके आगे रील देखने का गाइस। इसके आगे आपको दिखाई दे जाएगा शॉर्ट्स में। यस, क्यों अभी हम शॉर्ट्स में डालेंगे, YouTube शॉर्ट्स में आप देख लीजिए। और हमने आए तो वो देख लेना गाइस। तीन ले गाइए। किरण दीदी बहुत अच्छी सिंगर है पर गाती कुछ नहीं है। सो गाइस आज दिन में हमारे साथ क्या हादसा हुआ था, खाते टाइम हमारे लिए सब्जी नहीं आई गाइस। आज दिन में क्या हुआ था कि वो लोगों ने बना रखी थी सब्जी दाल सब्जी सबकी शक्ल देखी, दही और सैलेड। ठीक है, तो खाने के लिए मिला हमें दाल चावल सैलेड और दही। सब्जी लास्ट में बोल रहे हैं, सब्जी तब मिली जब हम थाली चाट चुके थे। तब वो ने बोला कि सब्जी चाहिए। गाइस सब्जी तभी खाते हैं। एक शायरी सुना दो। को बता सब्जी तभी खाते लोग किरण कितना बोल रही है। तो गाइस में से कोई किरण दीदी, साक्षी दीदी, सुमन दीदी में से कोई ऐसे ही गढ़वा ली होगी, क्या सुनाएगी, क्या होता है शायरी वगैरह सुनाएंगे। अभी देखना बुजड़ा बोलते हो ना, तो ये सुनाएंगी। सुनाइए आप। गाइस किरण ने बताया था एक, क्या किरण दीदी सुनाइए। नहीं आता एक डायलॉग बोल दे, मारूं तेरे। तो गाइस मैं ही बोल देती हूं। अच्छा गाइस कोई नहीं बोलिए।
इसका मतलब अर्थात इसका मतलब होता है कि अगर बकरे के जो खैर वो खला होती ना उसको उसमें नहीं रखता है सर के नीचे वो सही नहीं होती है और लेडीज जो हर काम में आगे होती है वो भी काम कभी सही नहीं होता है। ये देखिए गाइस तालियां अभी गाइस गाना थोड़ी देर में गाने वाले हैं। किरण दीदी, सुमन दीदी, साक्षी दीदी गाना गाने वाली हैं। खुशी के पास गाइए भाई। चलो बुलाऊंगा वो मैं। जोर से जोर से। मठो मठो जो आहा नए नए ब्योच मीठी मीठी जी लगो। नए नए ब्योच मीठी। आवाज ज्यादा करवाई अपनी। आवाज ऐसा करना बीच में गाइस भूल गए हंस भी रहे हैं। मीठी मीठी छुई लगोला नहीं तेरे लिए धमा धम। गाइस से फिर से गाने वाले हैं। कौन सा गाना है वो गढ़वाली गाना मैं कैन लगाए बटन। अभी देखे गाइस ये गाना किस चीज में था तो अब बताइए साक्षी दीदी। ये गाना ये था कि जब नई नई शादी होती है तो दुल्हन बता रही है कि मैं कैसे चलूंगी मेरे ऊंची ऊंची सैंडल पहन रखी है थोड़े आराम आराम से चलो अपने दूल्हे को बोलते। अब ये गाएंगे दूसरा गाना। चलिए गाइए गाना गाने वाले हैं। हां 3 2 1 गो। नी मेरी हसूल गाओ ना खुशी आवाज कम कर जोर से गाओ। मेरे बाबा आया छा चेता मैं ना सब देख देना मेरा माया छा चेता मैं ना सियाल के तू देख के ना मैं कहने लगाई बडोली मेरी देखिए कैमरामैन दूसरा जोर से गाइए। मेरा बाबा लागो मी कहने लगाई बडूली दीदी तेरी हसूली। ये हंसने लग जाते हैं। मैं भी गा रही साथ में कल्याण के दगड़े समझा इसका मतलब बताइए। एक लाइन पे हंस रहे हैं ये लोग। ठीक है गाइए। चीटिंग हो रही है। गाइस इस गाने का मतलब ये है बताइए कौन मुझे याद कर रहा है। जब ससुराल में जो लड़की रहती है तो वो उसको होती है हिचकिया आती है जिसको बोलते हैं बडूली जिसको हमारे गढ़वाली में बाडूली बोलते हैं। नरेंद्र सिंह नेगी का गाना वो उस बारे में है कि मतलब किसने उसको याद किया होगा जो उसको हिचकिया आ रही है उस बारे में ये गाना। तो बस अगर आपने सुनाई तो मैं वो बोलती हूँ मुहावरे बोलते गढ़वाली में तुम गैस करो। ठीक है ये मुहावरे बोल रही हैं और ये गैस करेंगे। वन गो
गाइस 1:03 हो गई और इनको अब मुहावरे याद आ रहे पूरे दिन से अब आ रहे हैं इनको याद। गाइस हम गढ़वाली में मुहावरे बोल रहे क्योंकि हमें नींद नहीं आ रही तो हम क्या करें गाइस, इसलिए नींद को बुलाओ। नींद आ जा, मना कर रही है यार। मैं मुहावरे बोल रही हूँ, लोग गेस करेंगे। चलो कौन सा बोल इंगड़ी मिंगड़ी इंगड़ी मिंगड़ी टिंगड़ी पता नहीं कैसा कैसा बोले इंगड़ी मिंगड़ी में बाघ रहती है इंसिंगड़ी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस बुआ बोलो। इंगड़ी मिंगड़ी टिंगड़ी वाले के अबे ओ टिंगड़ी तो है मेरी। इंगड़ी मिंगड़ी में बाघ रहती है इंसिंगड़ी इनको तीन सिंगड़ी ते बुआ को पता है एक तीन तीन सीधा बोलो गलत एक अट नहीं गलत भाई ये सही है। बोलिए जब बड़ा वाला होता तो पापा नहीं होते घर पे और जब छोटा वाला होता तब मम्मी नहीं होती घर तो क्या है और वो हकीकत नहीं है क्या है मतलब इसको हमें गैस करने ऐसी क्या चीज है रिलेटेबल। गाइस सस्पेंस कल मिलते हैं गाइस गैस कीजिए उसको इनाम गाइस बाय बाय उसका 10 रुपए का इनाम 10 रुपए इनाम जो बताएगा बाय बाय ओके सी यू मुझे जगह है आंसर ये गैस करे गाइस टक टक बड़ा भाई रहना तो मां नहीं अंदर घर पर जब बड़ा वाला होता है तब पापा नहीं होते घर और जब छोटा वाला होता तब मम्मी नहीं होती घर हो गया ऐसी चीज है हकीकत है किससे रिलेटेड है ये। अब हम सोने के लिए तैयार हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अभी दिखाती हूँ मैं लोगों को कैसे सो रखे लाइन से। ये आपकी ब्लॉगर सुमन ब्लॉगर ये साक्षी दीदी ये खुशी है यहाँ पे और एक दीदी ये मीनाक्षी दीदी ये मम्मी ऊपर में और ये शौर्या जगह बस इतनी सी है गाइस देखिए इतनी सी पता नहीं कहाँ पे होगी जगह इन सामान के साथ सोऊंगी मुझे लग रहा है आज। गाइस बहुत ज़्यादा मच्छर आ चुके हैं आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें तब तक ले बाय। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बाय।